अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज फिर से दिल्ली में एकजुट होंगे देश भर के किसान। दिल्ली में किसान महापंचायत के लिए भारी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ये चार तस्वीरें अम्बाला, जींद, करनाल और बहादुरगढ़ की हैं, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर भारी संख्या में किसान दिल्ली रामलीला मैदान में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान महापंचायत के जरिए वे सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनको मांगों को सरकार पूरा करे। किसान अपनी पर्सनल गाड़ियों, बसों और रेलों में सवार होकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं महापंचायत को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। राजधानी दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। देखो, पक्का मोर्चा लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ जो देश की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, क्योंकि बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी है, जिसमें सबसे पहले तो MSP पे कानून की गारंटी बनानी, पूरा मूल्य देना किसानों को, उस मांग को पूरा करवाने के लिए हम आज आए हैं। ते नाल की नाल जितने भी हमारे साथी बहने और भाई दिल्ली आंदोलन में शहीद हो गए थे, उनके परिवारों को कंपोसेशन की बात है वो अधूरी पड़ी है। ऐसे ऐसे जो लखीमपुर में घटना घटी, जो मुख्य आरोपी हैं अजय मिश्रा टैनी, वो आज भी अहदे पर तैनात है। अपनी जो जिम्मेवारी है राज नेता के तौर पर निभा रहा है, उसकी बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम एक और मांग कर रहे हैं कि जो हमारे देश के किसान हैं, वो सेवादार हैं, देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनको 10,000 रुपया 60 साल की उम्र के बाद, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उनकी पेंशन होनी चाहिए। दिल्ली कूच कर रहे हैं देश को बचाने के लिए। ये देश की लड़ाई है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सभी की। किसान बचेगा तो इंसान बचेगा, इंसान बचेगा तो जहान बचेगा। नहीं, जहान ही खत्म हो जाएगा। जब किसानी इस तरह मंदे दौर में चली गई ना, रोटी खाने के लाले पड़ जाएंगे लोगों को, बहुत महंगी होगी, भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। अगर किसानों की आवाज़ सुनकर सरकार ने अब भी किसानों की सुध ना ली, किसानों को जो मुद्दे वापस है, MSP गारंटी कानून, बिजली बिल वापस, जो टैनी अजय मिश्रा उसको सजा दिलवाना, ऐसे जो काम बाकी हैं वो पूरे करने पड़ेंगे सरकार को। दिल्ली की महापंचायत में जाने के लिए ट्रेनों में जा रहे हैं, रात के जा रहे हैं सभी किसान। अब भी हम कुछ इकट्ठे हुए, हम भी जा रहे हैं, कुछ अपने कारों से, बसों से, सब वहां दिल्ली पहुंचेंगे जी, रामलीला मैदान में। दिल्ली हजारों की संख्या में दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं, और जो सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उस विश्वासघात के लिए हम सरकार को जताना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो आने वाले टाइम में हम परमानेंट दिल्ली के बॉर्डरों पर स्थायी रूप से अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितनी संख्या में आज लोग पहुँच रहे हैं, उन लोगों की तरफ आप देखकर देश की व्यवस्था के ऊपर आप काम करिए, ना कि नहीं तो आने वाले टाइम में आपको इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नुकसान होने वाला है। आज पूरे देश लेवल की बहुत बड़ी महापंचायत रामलीला ग्राउंड में होगी, और वहाँ से जो ये किसान विरोधी सरकार इस देश पर राज कर रही है, जो इसने वादा खिलाफी किया, उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, और पूरे देश का किसान अपनी एकजुटता दिखाकर आज सरकार को सीधा यही चेतावनी है, या तो किसानों की ओर ध्यान दो, हमारी मांगों को मानो, नहीं तो जैसे पहले आंदोलन हुआ है उस प्रकार का आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो गए। किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों की एकता दिखाने के लिए फिर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो किसान दोबारा दिल्ली के बॉर्डर पर परमानेंट धरना देंगे। अब देखना होगा कि किसानों की आज की महापंचायत में क्या निर्णय लिए जाते हैं। अम्बाला से अमन कपूर, जींद से अमनदीप पलानिया, बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ और करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।